हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन सारथी। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स गुड लेसन्स फॉर लाइफ बुक का चैप्टर वन, गेंगिस खान एंड हिज हॉक। तो इस वीडियो में हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे और मोरल ऑफ द स्टोरी देखेंगे। तो इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन यानी कि बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इससे पहले, अगर आपने दूसरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, दैट इज़ द बटरफ्लाई चैप्टर एंड ऑल्सो द पीपल इन द नेक्स्ट टाउन चैप्टर, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं एंड इनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल में मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। वन मॉर्निंग गेंगिस खान द ग्रेट किंग एंड वॉरियर रोड आउट इनटू द वुड्स टू हैव अ डे स्पोर्ट। तो गेंगिस खान कौन है? इस चैप्टर के जो इन्होंने चैप्टर में दिया है उस हिसाब से गेंगिस खान कौन है? द ग्रेट किंग वॉरियर, योद्धा है। तो वो क्या करता है, अपने जो घोड़ा है, घोड़े पे ही देखिए हॉर्स है ना, ये हॉर्स पे जाता है रोड इनटू द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल में, टू हैव अ डे स्पोर्ट, दिन में स्पोर्ट्स खेलने के लिए। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स वर विद हिम, उसके बहुत सारे दोस्त उसके साथ थे। दे रोड आउट गेली कैरिंग देयर बोज एंड एरो, उन्होंने बहुत आराम से वो अपने बोज को लेकर और एरोज यानी कि धनुष और बाण को लेकर वो लोग अपने घोड़े पे सवार थे। बिहाइंड देम केम द सर्वेंट्स विद द हॉर्न्स, उनके पीछे सर्वेंट्स आ रहे थे विद द हॉर्न्स। बुक में आपके पास पिक्चर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसकी। उसके बाद है, इट वॉज अ मैरी हंटिंग पार्टी, मैरी मीन्स बहुत अच्छी, हंटिंग मीन्स एट शिकार करने की पार्टी। तो एक बहुत अच्छी शिकार करने की पार्टी थी। द वुड्स रैंग विद देयर शाउट्स एंड लाफ्टर, तो जो जंगल है वो उनकी जब क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा चहक रहे थे, महक रहे थे, तो उसकी आवाज़ से पूरा जो जंगल था वो गूंज उठा था। दे एक्सपेक्टेड टू कैरी मच गेम होम इन द इवनिंग, तो उन्होंने ये सब एक्सपेक्ट किया था कि वो इतना फन करके इवनिंग में घर जाएंगे। ऑन द किंग्स रिस्ट सैट हिज फेवरेट हॉक, और जो किंग की रिस्ट थी यानी कि कलाई थी उसमें उसका फेवरेट हॉक बैठा था। हॉक आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा दिखता है। फॉर इन दूज डेज हॉक्स वर ट्रेन टू हंट, और इसमें इन दिनों हॉक्स को ट्रेन करते थे कि वो शिकार कैसे करें। एट अ वर्ड फ्रॉम देयर मास्टर्स दे वुड फ्लाई अप इनटू द एयर, और जब उनके मास्टर्स उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे तो वो एयर में उड़ते थे एंड टुक अराउंड फॉर प्रे, और वो शिकार करते थे। इफ दे चांस टू सी अ डियर और अ रैबिट दे वुड सूप डाउन अपॉन इट एज एनी एरो, अगर उन्हें कोई भी डियर यानी कि हिरन, रैबिट मतलब खरगोश दिखता था तो एकदम से वो उस पर उसको उठा कर ले आते थे बिना किसी देरी के। ऑल डे अलॉन्ग गेंगिस खान एंड हिज हंट्समैन रोड थ्रू द वुड्स, पूरे दिन उसके हंट्समैन यानी कि शिकारी और वो सब लोग जंगलों में सवारी कर रहे थे। बट दे डिड नॉट फाइंड एज मच गेम एज दे एक्सपेक्टेड, पर उन्हें उतना मज़ा नहीं आया जितना उन्होंने सोचा था। टूवर्ड्स इवनिंग दे स्टार्टेड फॉर होम, अब जब शाम हुई तो अपने घर के रास्ते को निकल रहे थे। द किंग हैड ऑफन रिडन थ्रू द वुड्स एंड ही न्यू ऑल द पास, किंग ने बहुत बारी जंगलों से सवारी की थी तो उसे पूरे सारे रास्ते पता थे। सो वाइल द रेस्ट ऑफ द पार्टी टुक द नियरेस्ट वे ही वेंट बाय लॉन्ग रोड थ्रू अ वैली बिटवीन टू माउंटेन, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने सबसे शॉर्टकट का रास्ता लिया, बट जो किंग था उसने लंबा रास्ता लिया जो कि वैली यानी कि घाटियों के बीच से जाता था। किसकी घाटी? दो माउंटेन की घाटियों के बीच से जाता था। द डे हैड बीन वार्म एंड द किंग वॉज वेरी थर्स्टी, तो जो दिन था वो बहुत गर्म था तो किंग को प्यास लगी। हिज पेट हॉक लेफ्ट हिज रिस्ट एंड फ्लू अवे, और जो उसका हॉक था उसने उसकी कलाई छोड़ी और उड़ गया। इट वुड बी श्योर टू फाइंड इट्स वे होम, और वो इसलिए उड़ा, पक्का इसलिए उड़ा होगा कि उसे अपने घर का रास्ता देखना था। द किंग रोड स्लोली अलॉन्ग, उसने
धीरे धीरे सवारी करी। ही हैड वन सीन अ स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर नियर पाथवे। उसने एक बारी स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर मतलब इससे पानी आता है किसी झरने से, तो उसने पहले इसे देखा था अपने रास्ते में। इफ़ ही कुड ओनली फाइंड इट नाउ, तो अब वो ये सोच रहा है कि काश वो अब उसे दोबारा ढूंढ ले। बट द हॉट डेज ऑफ समर हैड ड्राइड अप ऑल द माउंटेन ब्रूक, तो जो गर्मी की वजह से सारे जो माउंटेन के पानी के स्रोत थे वो सूख चुके थे। एट लास्ट टू हिज जॉय ही सॉ सम वाटर ट्रिकलिंग डाउन ओवर द एज ऑफ अ रॉक। ही न्यू दैट देयर वॉज अ स्प्रिंग फॉर द रफ। अब उसने लास्ट में क्या देखा कि पानी किसी रॉक यानी कि पत्थर, जो बहुत बड़ा पत्थर होता है, उसके एज यानी कि किनारे से निकल रहा है। तो उसे लगा कि हाँ ऊपर कोई स्प्रिंग यानी कि पानी का स्रोत होगा। इन द वेट सीजन अ स्विफ्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑलवेज पोर डाउन हियर, बट नाउ इट केम ओनली वन ड्रॉप एट अ टाइम। जब बरसाती सीज़न होता है तो वहाँ पे एक स्ट्रीम यानी कि बहुत पतली धार पानी की वहाँ से निकलती है, बट अभी क्योंकि समर है तो वहाँ से बस एक बूंद एक समय पर निकल रही थी। द किंग लीप्ड फ्रॉम हिज हाउस, किंग अपने हॉर्स से उतरा। ही टुक अ लिटिल सिल्वर कप फ्रॉम हिज हंटिंग बैग, उसने एक चांदी का कप मग निकाला अपने हंटिंग बैग से। ही हेल्ड इट सो एज टू कैच द स्लोली फॉलिंग ड्रॉप, और उसने इसलिए कहा कि ताकि वो जो धीरे धीरे बूंदें गिर रही हैं उसको कलेक्ट कर सके पानी पीने के लिए। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू फिल द कप, उसमें बहुत समय लगा। एंड द किंग वॉज सो थर्स्टी दैट ही कुड हार्डली वेट, और उसे इतनी प्यास लगी थी कि वो इंतज़ार ही नहीं कर सका। एट लास्ट इट वॉज नियरली फुल, जैसे ही वो भरने वाला था। ही पुट कप टू हिज लिप्स, उसने जैसे ही करा और पानी पीने वाला था। ऑल एट वंस देयर वॉज अ वर्मिंग साउंड इन द एयर एंड द कप वॉज नॉक्ड फ्रॉम हिज हैंड, और एक साउंड आई हवा से, और उससे क्या हुआ कि जो कप था नॉक हो गया मतलब गिर गया उसके हाथ से। द वॉटर वॉज ऑल स्पिल्ड अपॉन द ग्राउंड, और सारा पानी ग्राउंड में गिर गया। द किंग लुक्ड अप टू सी हु हैड डन दिस थिंग एंड इट वॉज हिज पेट हॉक, और किंग ने ऊपर देखा कि किसने कराई और वो उसका पेट हॉक था। द हॉक फ्लू बैक एंड फोर्थ अ फ्यू टाइम्स एंड देन अलाइटेड अमंग द रॉक्स बाय द स्प्रिंग, वो कई बार उड़ा और वापस आया और फिर वो रॉक्स के अमंग अलाइन हो गया, अलाइट हो गया। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक जितनी एक्सप्लेनेशन आपने सुनी वो आपको कैसी लगी एंड आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस चैप्टर की चाहिए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिल जाए। द किंग पिक्ड अप द कप एंड अगेन हेल्ड इट टू कैच द ट्रिकलिंग ड्रॉप, अब जो किंग है उसने दोबारा कप उठाया और फिर दोबारा उसने बूंदें इकट्ठा करनी शुरू करी। दिस टाइम ही डिड नॉट वेट लॉन्ग, व्हेन द कप वॉज हाफ फुल ही लिफ्टेड टुवर्ड्स हिज माउथ, बट बिफोर इट हैड टच हिज लिप्स द हॉक स्वूप डाउन अगेन एंड नॉक्ड इट फ्रॉम हिज हैंड्स। अब उसने पूरा इंतज़ार नहीं करा पिछली बारी की तरह कि उसका कप दोबारा से भर जाए। जब वो आधा भरा था तो उसने अपने होठों पे उसे लगाया और जैसे ही पीने वाला था दोबारा से उसके हॉक ने उसे गिरा दिया। किसे गिरा दिया? कप को गिरा दिया। कहाँ से गिरा दिया? किंग के हैंड से। एंड नाउ द किंग बिगेन टू ग्रो एंग्री, अब किंग को आया गुस्सा, उसने दोबारा ट्राई करा थर्ड टाइम, फिर भी उसे हॉक ने पानी नहीं पीने दिया। द किंग वॉज नाउ वेरी एंग्री इंडीड, अब किंग को इतना गुस्सा आया। हाउ डेयर यू एक्ट सो ही क्राइड, उसने ऐसे बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की। इफ़ आई हैड यू इन माई हैंड्स आई वुड रिंग योर नेक, अगर तुम मेरे अभी हाथ में होते तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। देन ही फिल्ड हिज कप अगेन बट बिफोर ही ट्राई टू ड्रिंक ही ड्रिव हिज सॉर्ड, इस बार जब वो पीने वाला था तो उसने अपनी सॉर्ड निकाल दी। नाउ सर हॉक ही सेड दिस इज द लास्ट टाइम, उसने ऐसा वार्निंग दी कि हाँ हॉक अभी तेरा आखिरी टाइम है कि तूने ये करा। तो ही हैड हार्डली स्पोकन बिफोर द हॉक स्विप, उसने ढंग से बोला भी नहीं था कि हॉक ने वो कप उसके हाथ से गिरा दिया। बट द किंग वॉज लुकिंग फॉर दिस विद अ क्विक स्वीप ऑफ द सॉर्ड एज अ बर्ड एज इट पास्ट, तो अब जैसे ही बर्ड आया इस बार क्या हुआ, किंग ने अपनी तलवार चला दी उस बर्ड पे। द नेक्स्ट मोमेंट द पुअर हॉक ले ब्लीडिंग एंड डाइंग एट हिज मास्टरपीस, जैसे ही वो ऐसा अपने मास्टर के वहाँ पे ब्लीड मतलब खून निकल रहा था और अपने मास्टर के फीट पे गिर गया था, कौन गिर गया था? हॉक। तो दैट इज़ व्हाट यू गेट फॉर योर पेन सेट गेंगिस खान, उसने बोला तुम जब किसी को ऐसा दर्द दोगे तुम्हें ऐसा ही मिलेगा।
बट वेन ही लुक्ड फॉर हिज कप ही फाउंड दैट इट वॉज फॉलन बिटवीन टू रॉक्स वेयर ही कुड नॉट रीच इट। अब जब उसने अपने कप के लिए सोचा तो वो दो रॉक के बीच में फंस गया जहाँ से वो निकाल नहीं सकता था। एट एनी रेट आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट स्प्रिंग ही सेड टू हिमसेल्फ। अब उसने बोला किसी भी हाल में मुझे इस पानी की धार से पानी पीना है, उसने अपने आप को बोला। विद दैट ही बिगेन टू क्लाइम टू स्टीप द बैंक टू द प्लेस विच द वाटर ट्रिकर इट वॉज हार्ड वर्क एंड द हायर ही क्लाइम ही द थ्रस्टियर ही बिकेम। तो अब उसने उस चोटी को चढ़ना शुरू करा जहाँ से वाटर निकल रहा था, पर वो बहुत हार्ड वर्क था और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसे उतनी उतनी प्यास लग रही थी। एट लास्ट ही रीच द प्लेस देयर इन डीड वॉज अ पूल ऑफ वाटर बट वॉज दैट लाइंग इन द पूल एंड ऑलमोस्ट फिलिंग इट इट वॉज ह्यूज डेड स्नेक ऑफ द मोस्ट पॉइजनस काइंड। तो एक बहुत बड़ा पूल था पानी का, पूल से आप सब समझते होंगे, बट क्या वो पानी में जो भरा था उसको उसके अंदर क्या गिरा था? एक बहुत बड़ा मरा हुआ सांप था जो कि बहुत ही जहरीले किस्म का था। द किंग स्टॉप्ड ही फॉरगॉट हिज थ्रस्ट ही थॉट ओनली ऑफ पुअर डेड बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड बिलो हिम। अब वो अपनी प्यास भूल चुका था उसे देखने के बाद, अब उसे यही याद आ रहा था कि जो उसकी पुअर डेड है वो डेड बर्ड है जो नीचे ग्राउंड में लाई कर रही है। द हॉक सेव्ड माय लाइफ ही क्राइड एंड हाउ डिड आई रिपे हिम ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव किल्ड हिम। तो अब किंग को रियलाइज़ हुआ कि जो हॉक है उसने उसकी जिंदगी बताई बिचाई जिंदगी बचाई और अब वो सोच रहा है कि मैं उसको कैसे रीपे करूँ, कैसे उसका उधार चुकाऊँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे मार दिया। ही क्लैम्बर डाउन द बैंक ही टुक द बर्ड जेंटली एंड लेड इट इन हिज हंटिंग बैग देन ही माउंटेड हिज ऑर्डर ही सेड टू हिमसेल्फ आई हैव लर्नड अ सैड लेसन टुडे दैट इज़ नेवर टू डू एनीथिंग इन एंगर। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस चैप्टर की लास्ट में ये जो लाइन है ना ये कि किंग जब दोबारा से आया तो उसने बर्ड को उठाया और अपने हंटिंग बैग में डाला और फिर वो आराम से अपने घर चले गया और उसने खुद को ये बोला कि मैंने आज एक बहुत बुरा एक मतलब सैड तरीके से एक अच्छा लेसन लर्न करा कि कुछ भी हमें एंगर में नहीं करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज गेटिंग एंगर एट समथिंग और एट समथिंग इज नेचुरल। किसी पे गुस्सा आना है, किसी चीज़ पे गुस्सा आना एक नेचुरल प्रोसेस है, बट वी शुड नॉट लूज अ कंट्रोल। हमें अपने कंट्रोल को नहीं खोना चाहिए, इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर हर्स। अगर हम अपना कंट्रोल खो देंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इन द स्टोरी गेंगिस खान गॉट इन्फ्लुएटेड ओवर द एक्शन ऑफ हॉक। तो गेंगिस खान स्टोरी में क्या होता है कि हॉक के जो एक्शन से बहुत ही यू नो फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो जाता है एंड ही किल द हॉक विदाउट एनी कॉन्सेंट्रेशन और उसने उस हॉक को मार दिया बिना कुछ सोचे समझे। बट ही रिपेंटेड आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। फिर उसे इतनी यू नो इतना दुख हुआ, इतना गिल्टी फील हुआ जब सच उसे पता चला उसके बाद। ऑलवेज ट्राई टू नो द रीज़न बिफोर टेकिंग एन एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अभी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर्स हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उससे पहले हम इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। गेंगिस खान वेंट फॉर हंटिंग इन द वुड्स, ट्रू। ही हैड पेट पैरट ऑन हिज रेस, नो इट वॉज हॉक। दे डिडंट गेट एज मच गेम एज दे एक्सपेक्टेड, ट्रू। गेंगिस खान टुक द नियरेस्ट पास, फॉल्स। उसने लॉन्गेस्ट पास लिया था। The hawk knocked the cup from his hand, true. We should not act hasty in anger, true. Has मतलब जल्दीबाजी, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे भी एंड होता है विद इट्स क्वेश्चन आंसर्स सॉरी विद इट्स एक्सप्लेनेशन ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड फिलअप्स। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।